हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव, वेलकम टू ईटेक। आज हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शंस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर आर इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 500 ओम रेजिस्टर इज 2.5 वोल्ट, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन ओम। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो 500 ओम है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है आपका कितना, 2.5 वोल्ट का। तो हम लोग इजिली क्या है, इस ब्रांच में, पूरी ब्रांच में करंट को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट को इजिली कैलकुलेट करने के केस में हम लोग देखेंगे, तो हमको बेसिकली क्या जानना है, हमको इस आर ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू जाननी है। तो सबसे पहले हम लोग एक कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल मेथड में आपको क्या है कि आपको बताया गया 500 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है 2.5 वोल्ट है। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला हम लोग 500 वीपी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वीपी मेंशन किया गया है वो वीपी की वैल्यू वोल्टेज डिवाइडर फार्मूले से निकाल लेंगे, 2.75 वोल्ट। वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला क्या होता है कि हमको जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना होता है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई जो आपका वोल्टेज उस पर्टिकुलर पूरे पूरी ब्रांच में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 500 ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज पता है, 50 ओम के क्रॉस नहीं पता है। तो वोल्टेज डिवाइडर से हम 50 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे और 50 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालने पर टोटल वोल्टेज आपको पता चल जाएगा 2.75, या फिर आप डायरेक्टली 500 ओम रेजिस्टेंस से आप वीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2.75 वोल्ट कैलकुलेट कर लिया वीपी। इसके बाद हम करंट इन 550 ओम रेजिस्टेंस की करंट निकाल लेंगे तो हमें टोटल करंट पता चल जाएगी, जो कि हमारी आ रही है 0.017 एम्पियर। ये हमारी करंट आ रही है, जो कि करंट आपकी पूरी पूरी सर्किट में जा रही है। हमें 500 ओम के अक्रॉस करंट पता चल जाएगी और इसके बाद हमको टोटल करंट पता चल गई, तो हमको ये पता चल जाएगा कि आर ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट जा रही है। ये हमें आई वन की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें आई की वैल्यू पता चल गई, आई इज इक्वल टू 0.017 आ गया। आई टू की वैल्यू हमको पता करनी है, तो आई टू की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ हमने आई टू की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है, तो I2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.005 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि I2 की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.005 एम्पियर, और यहाँ पर भी क्या है आपकी, ये भी आपकी एम्पियर है। तो I1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.012 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को जब करंट पता चल गई, वीपी का वोल्टेज पता चल गया, तो हम जाहिर सी बात है इसमें हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे, ओम्स लॉ को, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है, V की वैल्यू हमको पता है, I की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली 229.17 ओम। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर रेजिस्टेंसेज आर ऑफ 6 ओम कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायगोनल पॉइंट। तो डायगोनल पॉइंट को हमने एक्स और वाई पॉइंट को हमने डायगोनल पॉइंट को चूज किया हुआ है। हम पूरी सर्किट को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ की डेल्टा साइड्स को हम लोग स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बगल में मैंने आपको दिया हुआ है एक डायग्राम में कि स्टार से डेल्टा में किस तरीके से कन्वर्जन होता है, आप उसके थ्रू कन्वर्जन कर लेंगे। बेसिकली इजी मेथड आपको बता देता हूँ, अगर आपके डेल्टा में तीनों ब्रांच का जो वैल्यू है वो सेम है तो आप स्टार कनेक्शन में बाई थ्री कर दीजिए, तो आपकी सारी वैल्यू जो होंगी वो भी सेम होगी। तो यहाँ दो दो ओम के तीन रेजिस्टेंस आपके स्टार कनेक्शन में आ जाते हैं। जब आपका इस तरीके की सर्किट कंप्लीट हो जाती है, दो दो ओम के स्टार कनेक्शन में आप सर्किट में रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने के बाद आपकी सर्किट कुछ इस तरीके की दिखेगी, ये सर्किट आपके सामने बनी हुई कुछ इस तरीके की सर्किट दिखेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो दो ओम के तीन रेजिस्टेंस आ गए, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर डायगोनली 6xy वाला जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 6+2=8 हो गया, यहाँ पर भी आपका हो गया 6+2=8 हो गया। आप जानते हैं पैरेलल में ही अगर दो सेम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो उनकी वैल्यू जस्ट आधी हो जाती है। तो हमने 8 और 8 को पैरेलल में किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं किस तरीके से ये 4 ओम आया हुआ है। फिर इसके बाद आप जब इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस को हटा के इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख देंगे 4 ओम, तो यहाँ पर आपका 4 ओम प्लस 2 ओम यानी 6 ओम हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसके पैरेलल में भी 6 ओम लिखा हुआ है, तो यहाँ जस्ट हाफ हो जाएगी 3 ओम। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 3 ओम आएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।